नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके मनपसंदीदा YouTube चैनल सादावत केसरी में। आलू में है बहुत तेज़ी, इतना करंट 440 वोल्ट, इतना बेहतरीन रेस्पॉन्स मिल रहा है आलू की तरफ से मंडियों में कि आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा फील महसूस करेंगे और इतनी खुशी तो मुझे भी होती है कि हाँ भाई, आपका आलू और किसान भाइयों का आलू अच्छे रेट पर बिक रहा है। और इसी आशा के साथ जैसे हमने मेहनत की थी, मेहनत भी सफल होती हुई नज़र आ रही है और आलू बिकेगा सेब के भाव, आलू बिकेगा चीकू के भाव। जिन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था अब उनके मुँह पर तमाचा भी लगने लगा है। अब कोई भी ऐसा कमेंट्सबाजी नहीं होती है जहाँ से वो मिले, लेकिन आपसे फिर भी एक निवेदन है कि अगर फिर दोबारा से अगर आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो अब मजाक मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसे इससे क्या होगा, जब भी हमारी कोई अपडेट न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब सीधे आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार रहने वाली है, मंडी के भाव में बताऊंगा, उत्तर प्रदेश बताऊंगा, पश्चिम बंगाल बताऊंगा, पंजाब बताऊंगा, बताऊंगा गुजरात के भाव और बताऊंगा किस देश में आपका आलू जा रहा है और ये भी बताऊंगा किस देश में कितने मिलियन यूएस डॉलर का व्यापार होने जा रहा है और आपके आलू जो आप बार बार पूछते हैं कि सोनू भाई दाम बढ़ेंगे या गिरेंगे दिवाली के बाद, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए। शुरुआत कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की कोल्ड स्टोरेजों और मंडियों से। तो शुरुआत कर लेते हैं हम गोरखपुर से। गोरखपुर में 1750 रुपये प्रति पैकेट आज आलू बिका है। मुजफ्फरनगर में 2000 रुपये प्रति पैकेट बिका है। जंगीपुरा में 1380 रुपये प्रति पैकेट। गुलावटी बुलंदशहर 1000 रुपये प्रति पैकेट। नौतरवा 1465 रुपये प्रति पैकेट। राठ हमीरपुर 1160 रुपये प्रति पैकेट। थाना भवन 1120 रुपये। जायस 1200। डायम्बर रॉबर्ट्सगंज में 1330 रुपये। संडीला में 1190 रुपये प्रति पैकेट। चंदौसी में 1440 रुपये प्रति पैकेट। हाथरस में 1340 रुपये प्रति पैकेट। खलीलाबाद में 1000 रुपये प्रति पैकेट। जाफरगंज में 1330 रुपये प्रति पैकेट। बलिया में 1320 रुपये प्रति पैकेट। वाराणसी में 1400 रुपये प्रति पैकेट। जौनपुर में 1400 रुपये प्रति पैकेट। देवरिया में 1490 रुपये प्रति पैकेट। चंदौली मुगलसराय 1400 रुपये प्रति पैकेट। फैजाबाद 1500 रुपये प्रति पैकेट। नोएडा 1800 रुपये प्रति पैकेट। ये रेट आलू के किसके हैं बताने की कोशिश करेंगे, चिप्सों ना आलू के हैं। रसड़ा में 1200 देसी है ये। बाराबंकी में 1210 देसी है। हापुड़ में 1685 चिप्सोना है। खुर्जा में 1680 चिप्सोना। मुजफ्फरनगर में 2000 रुपये प्रति पैकेट चिप्सोना। कमालगंज में 1300 देसी। माधोगंज में 1190 रुपये प्रति पैकेट। बांगरमऊ में 1180 रुपये प्रति पैकेट। हरदोई में 1200 रुपये प्रति पैकेट। बलरामपुर में 1600 रुपये प्रति पैकेट। अमरोहा में 1170 रुपये प्रति पैकेट। इटावा में 1250 रुपये प्रति पैकेट। पीलीभीत में 1180 रुपये प्रति पैकेट। कासगंज में 950 चल रहा था, 1130 रुपये प्रति पैकेट। अब आप देख लीजिए कितना अंतर आ गया। मोहम्मदाबाद में 1200 रुपये प्रति पैकेट। कायमगंज में 1170 रुपये प्रति पैकेट। मुरादाबाद में 1170 रुपये प्रति पैकेट। शामली में 1880 रुपये प्रति पैकेट। एटा में 1130 रुपये प्रति पैकेट। मथुरा में 1220 रुपये प्रति पैकेट। गंगो में 1300 रुपये प्रति पैकेट। जहांगीराबाद में 1200 रुपये प्रति पैकेट। कोसी कला मथुरा 1440 रुपये प्रति पैकेट चिप्सोना। सिकंदराबाद बुलंदशहर 6350 रुपये प्रति पैकेट। 1350 रुपये प्रति पैकेट। आगरा में 1560 रुपये प्रति पैकेट चिप्सोना। मथुरा में चिप्सोना 1685। मेरठ में 1635। आपका आपका मुरादाबाद में 1590 रुपये प्रति पैकेट। मुजफ्फरनगर में 1545 रुपये प्रति पैकेट देसी। रावर्ट्सगंज में 1150। इटावा में 1235 रुपये प्रति पैकेट। फरुखाबाद में 1578 रुपये प्रति पैकेट चिप्सोना। कन्नौज में चिप्सोना 1545। सहारनपुर में चिप्सोना 1560। कानपुर में 1560। मैनपुरी में 1615 रुपये प्रति पैकेट। मथुरा में देसी आलू 1235 रुपये प्रति पैकेट। बदायूं में 1150। औरैया में 1250। एटा में 1275। फिरोजाबाद में 1275। हाथरस में 1240 रुपये। शिकोहाबाद में 1260 रुपये। सिरसागंज में 1255 रुपये। टूंडला में 1275 रुपये प्रति पैकेट। सादाबाद में 1240 रुपये प्रति पैकेट कोल्ड स्टोरेजों में। झांसी में 1250 रुपये प्रति पैकेट। आगरा में 1275 रुपये प्रति पैकेट। कन्नौज में 1275 रुपये प्रति पैकेट। खैर में 1250 रुपये प्रति पैकेट। लखनऊ में 1245 रुपये प्रति पैकेट। मैनपुरी में 1240 रुपये प्रति पैकेट। सहारनपुर में 1235 रुपये प्रति पैकेट। कानपुर में 1280 रुपये प्रति पैकेट। प्रतापगढ़ में 1100 रुपये प्रति पैकेट। बरेली में 1050 रुपये प्रति पैकेट।
छर्रा में 1320 रुपये प्रति पैकेट, बाराबंकी में 1275 रुपये प्रति पैकेट, जौनपुर में 1050 रुपये प्रति पैकेट। ये उत्तर प्रदेश के उन मंडी पर कोल्ड स्टोरेजों के भाव हैं जहां पर आलू किसानों के साथ खड़े होकर वो कंधे से कंधा मिलाकर आलू को बिकवाते हैं, और यही स्थिति है हर जगह। अगर अब बात करें, अब आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा कमेंटबाजी, वीडियो शेयर तो करना ही नहीं जानते, बस कमेंटबाजी करना जानते हैं। तो मैं वीडियो को अभी अंत तक देखिए, मैं आपको बताऊँगा कैसे आपके रेट अब और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में की बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल में बलूरघाट 800 रुपये प्रति पैकेट, रामपुर हॉट्स 850 रुपये प्रति पैकेट, सिलीगुड़ी 900 रुपये प्रति पैकेट, बाकुंडा सदर 840 रुपये प्रति पैकेट, कलिम्पोंग 950 रुपये प्रति पैकेट, उलबेरिया 850 रुपये प्रति पैकेट, धूपगिरी 980 रुपये प्रति पैकेट, कटवा 830 रुपये प्रति पैकेट, करिस्यांग 1400 रुपये प्रति पैकेट, अलीपुर पश्चिमी 750 रुपये प्रति पैकेट, कूच बिहार 750 रुपये प्रति पैकेट, कल्याणी 845 रुपये प्रति पैकेट, मांडुआ 820 रुपये प्रति पैकेट, डायमंड हार्बर 1050 रुपये प्रति पैकेट, पश्चिम बंगाल में 1000 रुपये क्रॉस कर गया, हावड़ा में 650 रुपये प्रति पैकेट, पुलरिया में 600 रुपये प्रति पैकेट, बुरुद्वान में 830 रुपये प्रति पैकेट, चकदाह में 780 रुपये प्रति पैकेट, मतभंगा में 625 रुपये प्रति पैकेट, बेलडांगा में 915 रुपये प्रति पैकेट, रामकृष्णपुर हावड़ा 840 रुपये प्रति पैकेट, झारग्राम 800 रुपये प्रति पैकेट, करीमपुर 625 रुपये प्रति पैकेट, खातरा 820 रुपये प्रति पैकेट, अंग्रेजी बाज़ार 850 रुपये प्रति पैकेट, 850 बोलते हैं, इस्लामपुर 735 रुपये, सिलीगुड़ी 900 रुपये प्रति पैकेट, चंपाडांगा 850 रुपये प्रति पैकेट, फलफत्ता 700 रुपये प्रति पैकेट, बारासात 850 रुपये प्रति पैकेट, बलरामपुर 640 रुपये पर, मेदिनीपुर पश्चिमी 700 रुपये प्रति पैकेट, विष्णुपुर 820 रुपये प्रति पैकेट, नादिया 845 रुपये प्रति पैकेट, राजघाट 810 रुपये प्रति पैकेट। तो पश्चिम बंगाल के किसान भाइयों, आप भी ये पूछते हैं कि अभी रुके हैं कि नहीं रुके हैं, ऐसा क्या है, मैं बता दूं आपको, यहाँ साइक्लोनी चक्रवात है और आपके यहाँ पर आलू की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, आलू जो है राशन का केवल 10% ही बचा है, और ऐसे में वहाँ पर जो है नवंबर और अक्टूबर और नवंबर अभी नई फसल आने में काफ़ी समय है, कम से कम अभी आपको नई फसल आने में 45 दिन का समय है, ऐसे में 45 दिन तक 10% आलू दम नहीं दे सकता है। अगर औसतन बात करें तो वहाँ पर रोजाना की 5% की रोजाना की खपत है, अगर इस तरीके से देखी जाए एक जिले के हिसाब से, तो 10% आलू महज 10 या 20 दिन का रह गया, इससे ज़्यादा अब आलू वहाँ पर नहीं रहा है। अगर आपके पास में आलू बचा हुआ है तो जल्दबाजी ना करें, आलू को स्टॉक करें, आलू के अच्छे दाम लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पंजाब की बात कर लेते हैं, पंजाब में स्थिति इतनी विकराल चल रही थी किसान भाइयों कि वहाँ पर कोई आलू का लेनदार नहीं था, लेकिन अब देख लीजिए कुछ लाखन डोगा जी, करमजीत गिल जी, कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने वीडियो को शेयर किया, पंजाब में एक तरीके से दबाव बनाने का काम किया, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है इसी तरीके से हमारी वीडियो शेयर करके दबाव बनाए, और देखिए पंजाब में कितने बेहतरीन रेट हो गए, जहाँ 350 से 450 चल रहे थे, आज देख लीजिए पठानकोट में 1200 रुपये प्रति पैकेट, रोपड़ में 900 रुपये प्रति पैकेट, शहनवासा में 1600 रुपये प्रति पैकेट, गोराया में 1100 रुपये प्रति पैकेट, जीरा में 550 रुपये प्रति पैकेट, लालरू में 1000 रुपये प्रति पैकेट, फगवाड़ा में 641 रुपये प्रति पैकेट, खरार में 700 रुपये प्रति पैकेट, तलवंडी साहिब में 700 रुपये प्रति पैकेट, रायस में 800 रुपये प्रति पैकेट, रैया में, दासुगा में 625 रुपये, जलालाबाद में 600 रुपये, बरनाला में 750 रुपये, धर्मकोट में 600 रुपये, सुनाम में 500 रुपये, दरीवाल में 600 रुपये, तलवंडी में 850 रुपये, डेरा बस्ती में 650 रुपये, ममडोट में 850 रुपये, दीनानगर में 650 रुपये, सरहिंद में 700 रुपये प्रति पैकेट, बठिंडा में 700 रुपये प्रति पैकेट, जालंधर में 650 रुपये प्रति पैकेट, लुधियाना में 630 रुपये प्रति पैकेट, अमृतसर में 750 रुपये प्रति पैकेट। ये देखिए कितना उछाल है। अब आप लोग ये पूछते हैं कि देखिए सोनू भैया उछाल नहीं है मंडी में, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो जो कह रहा है ना वो व्यापारी है, और अगर ये कोई कह रहा है कि अब आलू के दाम नहीं बढ़ेंगे तो वो किसान है जिसने अपना आलू 350 से 450 में बेच दिया है, अब उसके पास में आलू है नहीं, अब वो दूसरों को कर रहा है कि जैसे उसके दिल पर सांप लेट रहा है हृदय पे, तो वो ऐसी बातें कर रहा है। इन सब बातों से बचते हुए, कमेंटबाजी ना करते हुए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए व्हाट्सएप ग्रुपों में, जिससे क्या है कि आप, हम जो जानकारी देते हैं वो आप लोगों तक, सारे किसान भाइयों तक पहुँचे, देश के जितने भी आलू किसान हैं और औसतन 10 लाख किसान हैं, अगर 10 लाख तक वीडियो पहुँचेगी तो कम से कम 5 लाखों को तो ये एहसास हो जाएगा सोनू चौधरी हमारे साथ खड़ा हुआ है और हमें बताता है। और ऐसी वीडियो में कभी किसी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं बनाता, मैं सारे किसान भाइयों के लिए बिल्कुल सही वीडियो बनाता हूँ, किसी की बात के वो नहीं, फिक्र मत करना, मैं समय पे ही पहले ही आपको बता देता हूँ ये बार होने वाली है। अब देख लीजिए गुजरात की बात, गुजरात में चिलकोरा में 900 रुपये प्रति पैकेट, दाहोद में 600 रुपये प्रति पैकेट, राजकोट में
700 रुपये प्रति पैकेट, आनंद में 625 रुपये प्रति पैकेट, अमरुआ में 600 रुपये प्रति पैकेट, पादरा में 600, सूरत में 712, दीसा में 750, समस्तीपुर में 575 और धरी में 575 रुपये प्रति पैकेट आलू बिका है। तो आप किसान भाइयों सुम खुश समझ सकते हैं। और आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके दाम यहाँ से और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसका कारण क्या है? 7 लाख पैकेट रूस के लिए निर्यात किए जाने हैं 8 नवंबर को, यानी बाद दीपावली के बाद यहाँ से और इंडिया से 7 लाख पैकेट जाएंगे, वो रूस के लिए जाएंगे। और कितने जाएंगे मैं बता दूं आपको, 26.300 मिलियन $26 के, आप खुद जान सकते हैं। अब क्योंकि आप जानते होंगे रूस में क्या खाया जाता है, डॉग यानी कुत्ता। अब वहाँ पर जो आलू है वो आलू की क्वांटिटी कम हो गई है। अब वहाँ से इंडिया से मांग लिया 7 लाख पैकेट, चीन से मांग रहा है रूस जो है, भारत सरकार ने हामी भर दी, चीन ने भी हामी भर दी, 7 लाख हमारे यहाँ से जाएगा पैकेट। वहाँ से तो बहुत ज़्यादा मंगाया है, वहाँ का सैंपल, चीन का सैंपल फेल हो जाने के कारण ही भारत से जब सैंपल हमारा 3797 का, पुखराज का, चंबल का, चिप्सोना का, ये सारे जितने भी वैरायटी हमारे हैं, तो हमें देखिए कौन कौन सी उन्होंने जो वैरायटी का वो किया, सैंपल पास किया है, 3797 का पास किया है आपका, कुफरी मोहन का पास किया है, चिप्सोना का पास किया है, हिमसोना का पास किया है, और कोई वो है पास नहीं किया है। हाँ थोड़ा वो डायमंड का भी, डायमंड और वो वाला आलू, पंजाब का डायमंड और पंजाब का ही हॉलैंड, ये पास किया है। अब आप देख लीजिए दूसरा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है रूस ने जो मांगी है कुफरी मोहन की मांगी है, विदेशों में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है कुफरी मोहन की है। कुफरी मोहन के सारे जितने भी आलू जाएगा वो सारा पूरा मिला के 2 लाख जाएगा, और 5 लाख पैकेट जो है केवल कुफरी मोहन के ही रूस जाएंगे। अब आप देख लीजिए, अब आप दगापेल और अन्य किस्मों को लगा रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि विदेशों में कुफरी मोहन की डिमांड है। विदेश जो है क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है, आप कितना भी DAP डाल लो, आप कितना भी पोटास डाल लो, आप कितना भी खरपतवार डाल लो, कुछ उस आलू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आलू ज़मीन के अंदर रहता है, फुलाब भी अच्छा आता है, वो भी रहती है, और वो उसमें आपको शुगर फ्री चैम्बर में अलग से रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका जैसा आलू खुदाई के टाइम समय निकलता है ऐसा ही आलू लास्ट टाइम पे निकलता है, तो उसमें मिठास नहीं आती है कुफरी मोहन में। तो ये बात जो है कुफरी मोहन की विशेषता होती है। अकेला 5 लाख पैकेट जो है रूस मांग रहा है कुफरी मोहन की। अभी सरकार ने अभी 7 लाख पैकेट देने का वादा किया, क्योंकि जब हमारे देश में अभी शॉर्टेज चल रही है तो देश को भी कहीं बाहर से ना आयात करना पड़े, इस वजह से सरकार ने अल्प मात्रा में ही दिया है। अगर रूस का पहले आ जाता डिमांड जो है जो जुलाई अगस्त में आ जाता तो हो सकता है 20 लाख पैकेट भी चले जाए, क्योंकि 25 लाख मांगे रूस ने, 25 लाख मांगे थे पैकेट, लेकिन 7 लाख का ग्रांट मंजूर हुआ है। अब आप देख लीजिए, अब सरकार ने कह दिया जैसे ही आलू खुदेगा जो भी बचा हुआ है 20 लाख पैकेट आपका चला जाएगा, और यहाँ से आपके आलू के दाम नए आलू के, जभी तो मैं कह रहा हूँ खेत से ही 900 रुपये प्रति पैकेट बिकेगा, मैं ऐसे हवा में बाजी नहीं करता। अब किसी को बहुत बुरा लगेगा कि सोनू ऐसा कह रहा है कि वो विदेश से भेज रहा है आलू, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, आप लोगों को समझना होगा आपके दाम यहीं से बढ़ेंगे, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, गलत उन लोगों को लग रहा होगा जो आप लोगों से छुपाते हैं हर बात को। तो बहरहाल किसान भाइयों आपका आलू रूस जाएगा, इस बात को कंटेस्ट कर लीजिए, और जल्दबाजी में आलू कभी मत बेचिएगा, क्योंकि आलू के दाम बढ़ते गिरते रहते हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपके दाम अच्छे और ज़्यादा होंगे दिवाली के बाद, और अच्छे ज़्यादा हो जाएंगे। आपको बेचना है बेचिए, नहीं बेचना है मत बेचिए, लेकिन कमेंटबाजी ना करके सीधा वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो मेरे साथ में किसान भाइयों बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर, तीसरे नंबर पर शेयर का ऑप्शन आता है देखिए ये, इसको शेयर करके सीधा फटाफट व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दिया कीजिए, फेसबुक ग्रुपों में, सभी में, क्योंकि इससे हमें मनोबल मिलता है, और क्योंकि हर किसान तक हमारी आवाज़ पहुंचती है तो वो अपना आलू बचा से आ जाता है। तो किसान साथी धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, और नोटिफिकेशन आप पाते रहिए। धन्यवाद।